हार्ट फेलियर के पेशेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा ये हार्ट फेलियर बिगड़े ना। बहुत सारे पेशेंट्स में हार्ट फेलियर धीरे धीरे करके समय के साथ बिगड़ता है और लंबे समय में जब ये बिगड़ते जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल टिप्स के बारे में जो आपकी मदद करेंगे हार्ट फेलियर के बिगड़ने को रोकने के लिए, हार्ट फेलियर के लॉन्ग टर्म डिटोरिएशन के चांसेस को कम करने के लिए। डिटोरिएशन से बेसिकली हमारा मतलब ये है कि यदि आपका पंप फंक्शन आज के डेट में 40% है, हम नहीं चाहते कि वो 5 साल बाद या 10 साल बाद 35 हो जाए, फिर 30 हो जाए, फिर 25 हो जाए, बिगड़ते चला जाए और एक स्टेज ऐसा आए कि हार्ट आपका काम करना बंद कर दे, हार्ट पूरा फेल हो जाए और मृत्यु हो जाए व्यक्ति की। तो बिगड़ना ना हो हार्ट फेलियर का, इसके लिए क्या कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। सबसे पहले जरूरी है कि जो भी आपका ट्रीटमेंट का प्लान है, चाहे वो मेडिसिन संबंधित है, डाइट संबंधित है या कोई एंजियोप्लास्टी या इस तरह से रिलेटेड कुछ भी है, उसको प्रॉपरली समझ के उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। हर चीजों को आपको ध्यान देना जरूरी है। कई बार लोगों का क्या होता है कि एंजियोप्लास्टी हो गई, ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद वो कई साल तक डॉक्टर के पास आते ही नहीं है, फॉलोअप ही नहीं करते। काफ़ी लोग दवाइयाँ बंद कर देते हैं, काफ़ी लोग लाइफस्टाइल बंद कर देते हैं, मॉडिफिकेशन करना, व्यसन को चालू कर देते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मतलब ये है कि एक प्रॉपर हार्ट पेशेंट की जैसी लाइफ होनी चाहिए जिसमें आप नॉर्मल लाइफ तो जी सकते हो लेकिन थोड़ी रिस्ट्रिक्शन रहती है, खाने पीने का, परहेज का, एक्सरसाइज का, ये सब चीज़ों को फॉलो करना होता है। ये सब चीज़ों को जब आप फॉलो नहीं करोगे और लंबे समय में अगर आप नेग्लिजेंस करते रहोगे तो बिगड़ने का चांस बढ़ते जाता है। जितने ज्यादा नेग्लिजेंस करोगे, जितने ज्यादा तरह की नेग्लिजेंस करोगे, उतना बिगड़ने का चांस बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप व्यसन करते हो तो उससे हार्ट फेलियर या हार्ट क्लॉट्स या प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। दवाइयां बंद करते हो तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। डॉक्टर के पास फॉलोअप में नहीं आते हो, कोई नया हार्ट अटैक आता है तो सडनली डिटोरिएट हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप प्रॉपर कंट्रोल में रखोगे, प्रॉपर अगर उसको रेगुलरली टच में रहोगे और ट्रीटमेंट प्लान जो आपको दिया गया है उसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम्स बिगड़ने का चांस कंपैरेटिवली कम होगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़े समय में जब लोगों का एक बार डर निकल जाता है, थोड़ा बहुत एक बार पंप फंक्शन सुधरने लग जाता है तो लोग अपनी सारी दवाइयां बंद कर देते हैं। हार्ट फेलियर में पंप सुधारने के लिए जो मेडिसिन आती है, चाहे वो रास इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, बीटा ब्लॉकर है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, SGLT2 इनहिबिटर्स है, बहुत सारी तरह की मेडिसिन दी जाती है जो हार्ट फेलियर में पंप फंक्शन सुधारने के लिए है। लेकिन ये सारी मेडिसिन के साथ एक बड़ा इशू ये है कि जब कभी भी हम ये मेडिसिन को बंद कर देते हैं तो पंप फंक्शन वापस बिगड़ना चालू हो जाता है। अक्सर लोग थोड़े टाइम के बाद दवाइयों से बोर हो जाते हैं, हमें भी रिक्वेस्ट करने लगते हैं सर दवाइयाँ बंद कर दीजिए, दवाइयों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम दवाई लेना नहीं चाहते। जब आप उनको इंसिस्ट करते हो दवाई लेने के बाद तो अक्सर लोग डॉक्टर चेंज कर लेते हैं और दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उस डॉक्टर के पास जो उनको बताता है कि ये 2 दवा ले लो बस काफ़ी है, या ये 1 दवा ले लो बस काफ़ी है, या पूरी दवा बंद कर दो, ये काढ़ा पी लो काफ़ी है, इस तरह के डॉक्टर्स के पास लोग अक्सर फॉलोअप करने के लिए चले जाते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें तब भुगतना पड़ता है जब वो वापस हार्ट फेलियर लेके हमारे पास आते हैं। हर पेशेंट में ऐसा होगा जरूरी नहीं है, 100 में से 60-70% पेशेंट का दवा बंद करने के बाद भी काम चल सकता है। तो कई बार उस तरह के पेशेंट बाद में जब उनका ठीक चलता रहता है, 5-10 साल अच्छा चलता है काम, तो वो हमें बेवकूफ समझते हैं कि नहीं ये डॉक्टर तो पागल थे, मेरे को बोल रहे थे कि 6-6 दवा लेने पड़ेगा, देखो मैंने सब बंद कर दिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्वियसली हर पेशेंट बिगड़ जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 100 में से 50 से 60% पेशेंट हो सकता है फिर भी अच्छे से चला ले, 5-5, 10-10 साल भी चला ले, लेकिन हर पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन अलग होती है, हर पेशेंट का हार्ट फेलियर का लेवल अलग होता है, हर पेशेंट के बिगड़ने के कारण अलग होते हैं, हर पेशेंट के ब्लॉकेजेस की स्टेटस अलग होती है। इसलिए आप 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस पर्टिकुलर पेशेंट में कंडीशन बिगड़ेगी किस में नहीं। कभी कभार किसी में पहले के ब्लॉकेजेस है वो बिगड़ते नहीं है, हार्ट अटैक नहीं आता, 10-10 साल भी नहीं आता, और किसी में 10 महीने में भी आ जाता है, क्योंकि ये बीमारी अपने आप में अनप्रडिक्टेबल है। दवाइयों से बिगड़ने के चांसेस को आप कम कर सकते हो, खत्म नहीं। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप ये दवा लेते रहो तो जिंदगी भर कभी तकलीफ नहीं आएगी और कभी बिगड़ेगा नहीं हार्ट फेलियर और कभी मृत्यु नहीं होगी। ऑब्वियसली कोई दवा अगर किसी को अमर बनाती होती तो कोई इंसान मरता ही नहीं हार्ट फेलियर में, आज भी बहुत सारे लोग मरते हैं, तो हर आदमी अमर हो जाता यदि अगर ये बीमारी पूरी तरह कंट्रोलेबल होती तो। इवन विद बेस्ट ऑफ टेक्निक्स और इवन हार्ट ट्रांसप्लांट कर लेने के बाद भी हार्ट फेलियर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से आदमी को हम अमर नहीं बना सकते, हर पेशेंट के साथ थोड़े बहुत इश्यूज तो रह सकते हैं। हाँ ये है कि दवा चालू रखेंगे तो प्रॉब्लम होने का चांस कम रहेगा, दवा बंद करेंगे तो रिस्क ज्यादा हो जाएगा, पर आप अननेसेसरी खुद को रिस्क में डालें तो अच्छा नहीं है। जितना जिसका सीवियर हार्ट फेलियर होगा उतना उसको रिस्क ज्यादा होगा। अब मान लीजिए किसी का पंप फंक्शन अगर 45-50 के आसपास है तो उसको कंपेरेटिवली कम चांस है दवा बंद करने के बाद प्रॉब्लम होने का, तो वैसे पेशेंट में हम भी थोड़ा टाइम के बाद दवा कम कर देते हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए किसी का पंप फंक्शन 20-25 के आसपास है, तो उसमें ऑलमोस्ट 80-90% चांस है कि वो दवा बंद करते ही साल दो साल के अंदर उसकी हालत बिगड़ेगी। अब वैसे लोग दूसरे का एग्जाम्पल लेके बोलेंगे, यार तेरे को भी हार्ट फेलियर था, तूने दवा बंद कर दी, तेरे को कुछ नहीं हुआ, तो मैं भी बंद कर देता हूँ, देखते क्या होगा। तो ऑब्वियसली उसका हार्ट फेलियर हो सकता है 45% वाला हो, आपका हार्ट फेलियर 25% वाला है, तो आपकी और उसकी कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क है। आप कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक आपका डॉक्टर या आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपको इस तरह की सलाह ना दे। अपने हिसाब से इस तरह का डिसीजन मत लीजिए, सारी चीजों को असेस करके, आपकी कंडीशंस को असेस करके ही डॉक्टर्स आपकी दवा को कम ज्यादा कर सकते हैं, और वो भी तब जब आप किसी एक्सपीरियंस या किसी प्रोफेशनल डॉक्टर्स को या किसी कार्डियोलॉजिस्ट को, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जनरल प्रैक्टिशनर्स को दिखाते हैं, या कई बार ऐसे डॉक्टर्स को दिखाते हैं जो पेशेंट को खुश करने के लिए या पेशेंट्स का खाली भरोसा जीतने के लिए कुछ तो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, दवाइयों को बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, सिर्फ अजीब अजीब से काढ़े या जूस पिलाना चालू कर देते हैं पेशेंट को। तो वैसी चीजें कई लोग करते हैं, पर वो मैल प्रैक्टिस के अंदर ही आता है, वो प्रॉपर एथिकल प्रैक्टिस के अंदर नहीं आता है। तो यदि आपको अगर अच्छा हार्ट फेलियर मैनेज करना है और लंबे समय तक अपने हार्ट को चलाना है, तो कोशिश करिए कि आप किसी एथिकल डॉक्टर के पास जाए, उसके पास रेगुलर जाते रहे। यदि वो आपको प्रॉपर वे में दवाइयाँ दे रहा है, एज लॉन्ग एज वो ओवर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो उसको लेते रहिए। अगर आप उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, बंद करने की कोशिश करेंगे, तो काफी चांस है कि आपकी कंडीशन बिगड़ सकती है। इसके अलावा जो भी आपको अगर सिम्टम्स अगर हो रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली मॉनिटर करिए। कई बार क्या होता है कि हमारा थोड़ा बहुत सांस फूलना चालू होता है, धड़कन बढ़ना चालू होता है, छाती में दर्द होना चालू होता है, घबराहट बेचैनी होती है, हम सोचते हैं यार छोड़ो, यार पहले भी तो था, अभी थोड़ा सा बिगड़ा है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ नया सिम्टम हो रहा है या कुछ नया प्रॉब्लम हो रही है और पहले ऐसा नहीं था, उससे कुछ बिगाड़ हो रहा है, पहले 5 किलोमीटर चल पाते थे, अभी 4 चल पा रहे हो, या 3 चलने में भी सांस फूलती है, पहले आप 6 सीढ़ी चढ़ जाते थे, अभी 3 चढ़ने में भी सांस फूल रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है, आपको उसमें डेफिनेटली अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है और चीज़ों को चेंज करवाने की जरूरत है, उसका कारण ढूंढने की जरूरत है कि ये बिगाड़ हुआ तो हुआ क्यों। अगर आप उसको लेके घर पर बैठे रहोगे, तो फिर आप डॉक्टर के पास तब पहुंचोगे जब मैसिव अटैक आ चुका होगा, और फिर तब डॉक्टर के पास करने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें अगर कोई भी कारण से बिगाड़ अगर हो रही है आपकी कंडीशन में, तो आपको उसको प्रॉपरली तुरंत इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि बिगाड़ हुआ तो क्यों हुआ और कितने चीज़ों में चेंज करने की जरूरत है इसको वापस ठीक करने के लिए। इसके अलावा प्रॉपर हेल्थी डाइट मेंटेन करिए, नमक कम रहेगा, सैचुरेटेड फैट्स कम रहेंगे, प्रोसेस फूड्स कम रहेगा, ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा लीजिए, होल ग्रेन्स जैसे कि ओट्स, बार्ली, क्विनोआ, होल व्हीट, ब्राउन राइस, ये सब चीज़ ज़्यादा लीजिए, हेल्दी फैट्स लीजिए, नमक को बिल्कुल कम रखिए अगर आपका बीपी ज़्यादा है। अगर बीपी कम है तो नमक ज़्यादा ले सकते हैं, बीपी अगर ज़्यादा है और हार्ट फेलियर है तो नमक कम लेना है। इसके अलावा पानी को प्रॉपर मेंटेन करिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण होता है हार्ट फेलियर के बिगड़ने का। जिन लोग का पंप फंक्शन 30-35% से कम है, वो अगर सडनली लापरवाही करते हैं नमक और पानी के लेवल्स में, तो सडनली हार्ट फेलियर बिगड़ सकता है और दवाओं की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। तो आपको कितना पानी अलाउड है ये अपने डॉक्टर के साथ पूछिए, उसके बाद उसको फॉलो करिए, क्योंकि पानी का इंटेक कई बार बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल होता है, जिसमें लापरवाही के कई बार नुकसान होते हैं। तो आपको अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। हार्ट फेलियर में फ्लूइड मैनेजमेंट संबंधित हमने ऑलरेडी 3 वीडियोज अपने चैनल पर किए हैं, आप उन्हें चेकअप करिए। इसके अलावा आपको एक्टिव रहने की जरूरत है, आप प्रॉपर अगर एक्टिव रहेंगे, हर एक्टिविटी में अपना काम करते रहेंगे, दिन भर बैठे बैठे का जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, तो काफी चांसेस है कि आपका हार्ट फेलियर बिगड़ेगा नहीं। कई लोग के साथ ये होता है कि वो बहुत शिथिल जीवन जीते हैं, बैठे बैठे रहते हैं, बैठे बैठे उनका वजन बढ़ता रहता है, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता है, ध्यान नहीं देते। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो काफी चांसेस है डिटोरिएट करोगे। जो आदमी किसी बीमारी की वजह से, किसी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम की वजह से या किसी इच्छा की वजह से बिस्तर पर पड़ा रहता है, उसका डिटोरिएशन बहुत जल्दी होता है, उसकी मृत्यु बहुत जल्दी होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो गया, वो उस कारण से बेड पर आ गया, तो बहुत जल्दी ऐसा हुआ कि उसको बेड सोर्स हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। कोई पेशेंट को जॉइंट का प्रॉब्लम हो गया और वो बेड रिडन हो गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया, जॉइंट में बहुत पेन हो गया, तो अनलेस वो ऑपरेशन करके अपना वापस चलना फिरना चालू नहीं करता, उसका डिटोरिएशन बहुत जल्दी होगा एज कम्पेयर टू जो पेशेंट बहुत हेल्दी है और एक्टिव है। तो इसलिए आपको एक्टिव रहने की कोशिश करना है, जितना आपकी बॉडी और आपके जॉइंट्स परमिट करें उस हिसाब से एक्टिव रहना है। इसके अलावा आपको स्मोकिंग बंद करना है। कई बार क्या है, लोग व्यसनों को ध्यान नहीं देते हैं। आप अगर स्मोकिंग करेंगे तो उससे हार्ट अटैक का चांस, लकवा होने का चांस, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने का चांस, अलग अलग तरह के नलियों के डैमेजेस होने का चांस काफ़ी कुछ बढ़ जाता है। तो स्मोकिंग और तंबाकू का यदि आपको आदत है तो उसको बंद करिए। यदि अल्कोहल का भी अगर आपको आदत है तो भी उसको बंद करना है। फॉरेन कंट्रीज में अल्कोहल का कई लोग का काफ़ी आदत होती है, ज़्यादातर लोग ही पीते हैं, वहाँ पे भी रिकमेंडेड यही होता है कि महीने में एक आध बार से ज़्यादा नहीं पिए। वो लोग फिर भी गाइडलाइंस को थोड़ा लिबरल करे हुए हैं कि
दिन भर में थोड़ा भी पियोगे तो चलेगा, पर एक्चुअली में अगर आप जितना कम पियो या पूरा बंद रखो वही हेल्दी है। आप एटलीस्ट महीने में एक आध बार या दो बार से ज्यादा ना पिए तो ज्यादा अच्छा है, और अगर पहले से आदत नहीं है तो ऐसी आदत मत डालें क्योंकि आपकी हेल्थ कंडीशन को बिगाड़ेगा। रेड वाइन के बारे में कई लोग कॉन्ट्रोवर्शियल इशू करते हैं कि रेड वाइन से हार्ट को फायदा होता है, पर रेड वाइन में वो तत्व जो हार्ट को फायदा करता है जो ग्रेप से बनता है रेस्वेराट्रोल, वो इतना ज्यादा मात्रा में चाहिए हार्ट को फायदा देने के लिए जितना कि रेड वाइन में बिल्कुल नहीं होता है। वो केमिकल डायरेक्टली भी है लोगों को कैप्सूल के फॉर्म में दिया गया तो भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ, तो इसलिए रेड वाइन आपको फायदा करेगा ये सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। इन चक्करों में मत पड़िए और सारे व्यसनों को पूरी तरह से बंद रखेंगे तो अच्छा है। आज के टॉपिक में बस इतना ही, इसके अलावा भी इस टॉपिक में और भी काफी पॉइंट्स हैं जिसको हम इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, उस वीडियो को भी आप चेकआउट करिए, उसमें हम और डिस्कस करेंगे कि हार्ट फेलियर के डिटोरिएशन को या कंडीशन के बिगड़ने को रोकने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।